Long live Hangzhou! Atarto! Nishi! Atarto! Nishi! Long live Hangzhou! Long live Hangzhou! Long live Hangzhou! Atarto! Nishi! Atarto! Nishi! Long live Hangzhou! सब मीडिया फ्रेंड्स को वेलकम। एक अनाउंसमेंट करने के लिए ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन आज आप लोग को मेरा ऑफिस में बुलाया आने के लिए। थैंक्स एवरी द डेनिजेंस ऑफ ए निशी कम्युनिटी मस्ट बी वेटिंग फॉर द फाइनल कॉल ऑफ ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन। वी आर हियर टू अनाउंस द 36 आवर्स बंद कॉल। जो डिक्लरेशन जो ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन है इट इज कंटिन्यू। इस बीच में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव जो निशी लेजिस्लेटर को हमने दो बार मीटिंग किया, उस मीटिंग में कोई आउटकम नहीं आया, इसलिए दिस टाइम ओल्ड निशी स्टूडेंट्स यूनियन का जो एक्सटेंडेड पीरियड में जो हमने डिसाइड किया कि कॉल ऑफ कम्युनिटी जो हमने 3 पॉइंट आउट ऑफ 10 पॉइंट से हम लोग लास्ट 3 पॉइंट को हम लोग रखा है, उस पॉइंट को सरकार रिजोल्व नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग 10 पॉइंट में हम लोग आगे जा रहे हैं। ये है, अगर आप लोग में से कोई क्वेश्चन है वो से पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन सर? कल सीएम ने बोला था कि सारे डिमांड तो फुलफिल हो चुका है, उसमें क्या कहेंगे? सरकार का हमेशा यही बोलता है कि सारा डिमांड उसका हिसाब से फुलफिल होता है, किंतु हम लोग डिमांड प्लेस करने वाला है, मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया है, सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दिस टाइम ये एक बहुत अगली सीन चल रहा है, बंद कॉल को हम लोग कंटिन्यू भी इसलिए कर रहा है कि ये जो टेंशन जो चल रहा है आदि बाने केवंग गालो सोसाइटी गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन तिराप चंगलंग लॉन्गडिंग पीपल्स फोरम इदू मिसमी कल्चरल रिफ्रेंस सोसाइटी ताई कामती सिंफो ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अंशु का रिप्रेजेंटेशन को या किसी का भी सीवीओस का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कभी ओपनली ऐसे अपोज नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ निशी, एग्जिस्टेंस ऑफ निशी, हम लोग फाइट बैक करेगा। अंशु हमेशा बोला है कि अंशु इज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर लगता है कि अंशु का एग्जिस्टेंस और अंशु का आइडेंटिटी को खतरा है बाकी कम्युनिटी से, फिलो ब्रदर्स ब्रिटेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश लगता है बोलने से, हम लोग फाइट बैक करेगा। चाहे आप जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना के आओ, हम लोग किसी से नहीं डरता है, ये हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। सर आपने मीटिंग किया था इसी लेजिस्लेटर से, उन मीटिंग में क्या क्या पॉइंट को लेकर डिस्कस हुआ और आप लोग में मतभेद कहाँ रह गया कि ये चीज आप लोग और उनका में कंफ्लिक्ट रह गया? देखिए निशी लेजिस्लेटर फोरम में जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेनर एक्ट को जो रिफिल करने का बात था, उसमें हम लोग का जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो जाके रिपील को था, तो उन लोग ने बोला है कि एज ए बिग ब्रदर ऑफ अरुणाचल प्रदेश निशी कम्युनिटी को थोड़ा सोच विचार करके हर एक कम्युनिटी स्टेक होल्डर से बात करना है। हमने माना और उसमें हम लोग का रिपील को छोड़ के हम लोग अमेंडमेंट में ही बात किया था। अमेंडमेंट में हम लोग के पास अभी जो आउट ऑफ 16 निशी लेजिस्लेटर में से 11 लेजिस्लेटर ने हमको साइन करके दिया है कि अमेंडमेंट करेगा। अमेंडमेंट क्लास 3 एज इट इज रहेगा, 2 एंड अबव को अमेंडमेंट करेगा बोला है। अभी ये पता चल रहा है कि ये हमारा जो निशी लेजिस्लेटर जो हम लोग एग्रीमेंट और निशी स्टूडेंट यूनियन और निशी लेजिस्लेटर जो साइन करके रखा है जो एग्रीमेंट, ये सकम होगा, इसको वाइसली काम करने नहीं दे रहा है। जो सीवियस लुक जो ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन का जो डिमांड को जो रिफिल करो बोल के बोलने वाला का, वी टेक इस एज अ चैलेंज। अगर आपको बात करना है बोलने से, वी पुट अवर डिमांड टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको कुछ बात करना है बोलने से, AITF अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम है, उसमें बात करो, या तो ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन का हेड ऑफिस आपको ईटानगर तलंग हीरा कॉम्प्लेक्स में है, आप हमको बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डेथ डायरेक्ट आप चैलेंज करता है कि ओल्ड निशी स्टूडेंट यूनियन का नंबर 1 को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेनर एक्ट को नहीं मानता है, तो हम लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये एक्ट जो इलीगल है, प्रियर टू 2015 ये एक्ट कभी था नहीं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स सप्लाई कुछ भी है बोलने से, आपका CPWD गाइडलाइंस का मुताबिक होता है, और CPWD जो सेंट्रल एक्ट होता है, इन कंट्रावेंशन टू द सेंट्रल एक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट लो अमेंड नहीं कर सकता है। ये है, तो या में ये हमको ने
ऐसे नाबम दोदम को नहीं, पूरा सारा निशी कम्युनिटी को लगता है कि ये एंटी निशी लोग है, इसलिए हम लोग इसको दिस इज द वॉइस ऑफ एंटायर निशी कम्युनिटी। सर आपका अभी देखा गया कि बहुत सारे सीपीओस आपका पेमा खंडो चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है कि इसको एंटरप्रेन्योर को साइड में लेते हुए, इसमें आपका क्या रिएक्शन रहेगा सीपीओस का? देखो सीबीओस जो अभी जो नंबर्स ऑफ सीबीओ जो अभी जो अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन को उन लोग जो स्क्रैप करो बोल के चीफ मिनिस्टर को लिख रहा है, ये बहुत अनबिकमिंग है। आज तक हमने पहले भी बोला है, कभी नहीं हुआ। आप बताइए कि आपका मीडिया का थ्रो से सब सुन रहा है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट को रिफिल करने में क्या बुराई है? हाँ, तब तो अगर आप अगर इक्विटी का बात करेगा बोलने से, तब तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी तब तो कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर दो, हाँ, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दो, या अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो भी कोर्ट में चैलेंज है, तब तो उसको भी आप रहने दो, हाँ। इसमें गलत क्या है? ये इलीगल एक्ट है। आई एज ए आंसू प्रेसिडेंट हमने कभी नहीं बोला है कि अरुणाचल प्रदेश जो 101% आपका ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट का बीच में फिर आरक्षण क्यों? आप मान के चलिए सबको हम क्लियर करता हूं, ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि क्लास 3 तक रहने दो, अप टू क्लास उसका अमाउंट होता है क्लास 3 करोड़, 3 करोड़ से अबव 10 करोड़ को 20 करोड़ को काम करने वाला को सरकार से आरक्षण क्यों चाहिए? आप फाइनेंशियली कैपेबल इनफ है, इसलिए तो आपको ओपन कर दे रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण देना है बोलने से डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक ठीक है। आप पीक्यू डायरेक्ट बोलता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप आंसू को लिख सकता था, आपका जो पॉइंट को सोच विचार करो, हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहता है। हमको अभी लग रहा है कि ये एक सीधा जंग है कि मिसी का खिलाफ, इसको हम लोग एक्सेप्ट करता है। इसलिए आपका चीफ मिनिस्टर से कोई न्योता मिला है क्या बातचीत करने के लिए? किससे? चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। आप लोगों को परमिशन भी मिल गया क्या बंद कॉल करने के लिए? परमिशन तो देखो कभी नहीं मिलता है। अगर समाज का हित में इलीगल काम करना है बोलने से हम लोग इलीगल काम करेगा, वो क्लियर है। तो भी जी देखा जाए तो आप तो जाते जाते ये इशू को उतर रहे, पब्लिक का कहना है कि मतलब वेयर इज न्यू टेन्योर आने तो उसका बस क्यों नहीं करवा रहे? कौन पब्लिक बोल रहा है? पब्लिक में भी एक है कि जो निशी समाज का सेंट्रिक इशू को जानता है, दूसरा ऐसे भी निशी है कि जो हमेशा आंसु को डिवाइड एंड रूल में डीबीसी पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। अब उस एंटी निशी मूवमेंट में जो जुड़ा हुआ है उसका बात को आप सुन रहा है। सही निशी ट्रू निशी हमेशा ये इशू का साथी है। रजन जी आपको नहीं लगता आपका ये दो दिन का बंद कॉल में आप जो है डेली वेजर्स के ऊपर जो बहुत तकलीफ कराने वाले हैं जो डेली अर्नर है, हाँ, आपका दो दिन का बंद कॉल में उन लोगों को बहुत तकलीफ नहीं लगेगा? ये आंसू का पहला बंद कॉल तो नहीं है, हाँ। दूसरा ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का आप हिस्ट्री को देखेगा, निशी को तब सक्सेस मिला है जब बंद कॉल हुआ है। आप पन्ना उतार के देख लीजिए, आप अभी बेसिकली यू आर फॉरम पपुम पमा एनआईटी जोते बंद कॉल करना पड़ा, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बंद कॉल करना पड़ा, आपका डिविजनल कमिश्नर बंद कॉल करना पड़ा। अगर एंटायर निशी का भला के लिए एक दो डेली वेजर्स को तकलीफ होता है बोलने से, आई विल टेक इट एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ये इंटरप्रिटेशन का अपना हिसाब से है, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ये है मेरा हिसाब से। अच्छा मान लीजिए कि ये तो ऑलमोस्ट स्टेलमेट हो गया आपका बात और गवर्नमेंट का बात, पोल्यूशन का वैसे पार्टिसिपेशन बंद कॉल हो रहा है, तो अगर ये बंद कॉल का बाद भी कोई और सोल्यूशन नहीं आता, आगे की रणनीति आप लोग का क्या होगा? उसको हम लोग टाइम का मुताबिक हम लोग डिसीजन लेगा, दिस टाइम हम लोग सरेंडर नहीं करेगा। सरकार को अंशु को फेस टू फेस एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट राइटिंग में देना पड़ेगा, ये है। लॉन्ग लिव अंशु, अतर्तो निशी, अतर्तो निशी, लॉन्ग लिव अंशु। ऑल द मीडिया फ्रेटर्निटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी आर द एटन ब्रांच स्टूडेंट यूनियन ऑफ निशी इनहेबिटेड।
We branch student union are solidarity with 36 hours ban call headed by Team Anshu under the guidance of President Nabam Dodum and his executive member. So Sara entire is Eton branch student union hum samarpit hai aur sahi cause ke liye ek samaj ka interest ke liye hum stand hai. क्या आपको इस जो बंदो इन पॉइंट है आपको उसका ऊपर क्या कहेंगे इन पॉइंट मेंबर एक डिस्ट्रिक्ट स्पेस एंटरप्रेनर को तो रिकॉल करना चाहिए आपका क्या राय रहेगा अपने आप पर्सनली देखो आपका अंशु जो 2023 में जो पॉइंट फ्रेमवर्क किया है वो आज का पॉइंट नहीं है लास्ट ईयर का 2023 का ये है इशू है उसको सरकार जो अभी इशू को सक्सेस नहीं करवाना रिजोल्व नहीं करना ये सरकार का वीक है और हम लोग एज ए ब्रांच स्टूडेंट यूनियन हम लोग अंशु का साथ अंशु का एक बच्चा है तो उस आप जो अभी डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेनरशिप बेस का जब बात किया है यहाँ में इन निसी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट स्टेट में क्या है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन निसी है बट आई डोंट टॉक कि निसी ही है निसी ही बादर दादागिरी ऐसे नहीं है लेकिन सिस्टम का साथ में यहाँ निसी हाईएस्ट पॉपुलेशन होने का बात पर उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ज्यादा है उस क्राइटेरिया को रह के डिस्ट्रिक्ट बेस एंटरप्रेनरशिप को हम लोग चाहते हैं कि रिफिल करो उसमें एक टेक्निकली गवर्नमेंट जो है कि एक मैंने असेसमेंट लाओ कि जो निसी को भी सही हो जो सारा कम्युनिटी को भी सही हो हम नहीं बोल रहे कि वी अटेंड ब्रांच स्टूडेंट यूनियन नेवर टॉक कि हम दूसरा ट्राइब को हम डिफाइव करेगा वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग हम नहीं बोलेगा लेकिन सिस्टम जो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ में हम निसी को ही डिफाइव किया हर एक पॉलिसी में भी बोलो इसलिए हम जो स्टैंड आउट है अटेंड ब्रांच स्टूडेंट यूनियन जो सबसे पहले मेरा नाम बामंग तोदो है ये हम लोग ऑल नहर लगन यूथ हेल्पर एसोसिएशन ये मेरा लेफ्ट साइड में प्रेसिडेंट गोलो जेम्स ये मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग हैं तो हम लोग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग आज एसोसिएशन के लिए नहीं आया है आज हम लोग बीइंग निसी का हिसाब से हम लोग आज यहाँ में रिप्रेजेंट कर रहा है और इस वन कॉल में आपका जो एक सॉलिडरिटी हिसाब से आया आप ये जो तीन चार्टर पॉइंट है आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए आप लोग को और आप किस तरह समर्थन करते हैं ये तीन पॉइंट जो है ये बहुत जेन्युइन पॉइंट है हमको जहाँ तक लगता है अंशु जो तीन पॉइंट रखा है और हम आज नाहरलगन की तरफ से हम लोग आज ये प्रॉमिस करता है अंशु को भी हम लोग फुल आपको हम लोग सपोर्ट करेगा चाहे जो भी हो अंशु जब तक हम लोग को ये हम लोग का छत्र चाहे मैं ब्लेसिंग है हम लोग अंशु को हम साथ देगा हमको कोई डर नहीं है हम लोग का तो पकड़ के जेल डाल देगा तो कोई बात नहीं है समाज के लिए हम जेल क्या हम जान तक देने के लिए रेडी है जेल जेल से हमको डरने का कोई जरूरी नहीं है जब तक हम निशी जब तक अंशु है जब तक हम है हम नाहरलगन एसोसिएशन है हम लोग जेल सेल से कोई धरने वाला हम लोग आदमी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ टिकरीतर हिमालयन यूनिवर्सिटी का जो निसी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है तो अभी जो प्रेस ब्रीफिंग जो देने का मतलब ये कि हम लोग एज ए बींग निसी तो हम जो बंद खोल का जो 12 तारीख का जो हो रहा है तो हम लोग का स्टूडेंट का तरफ से और निसी स्टूडेंट यूनियन हिमालय यूनिवर्सिटी का ओर से फुल्ली सपोर्ट है जो भी प्रेसिडेंट अंशु ने जो कदम उठाएगा हम लोग बैकअप करेगा और साथ में हम लोग उस जिस चीज के लिए करेगा हम उसके लिए स्टूडेंट का हिसाब से हम लोग निसी स्टूडेंट से हम लोग ऑल आर कॉफरेट करेगा आज कुछ जो मेंबर तो नहीं है तो कल तक हम लोग जब शुरू होगा हम लोग पूरा निसी जो हिमालयन का है उसको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी एटलीस्ट मैंने प्लीज काइंडली सबमिट कीजिए और कुछ प्रॉब्लम अगर होता है कुछ कंट्रेडिक होता है तो प्लीज कॉल कीजिए हमको भी ना तो इसलिए बंद खोल का चीज को लेके हम लोग स्टूडेंट का ओर से और हम लोग साथ देता है जो भी कदम उठाएगा ये सब इंटरेस्ट ऑफ ऑल अरुणाचल के लिए कर रहा है नॉट ओनली ऑफ द निसी के लिए तो इसलिए हम अपना जो उनसू का तरफ से हम मैंने साथ देने का यही एक आज मीडिया ब्रीफिंग आया इसलिए आज तो जो कदम उठाएगा एज अंशु प्रेसिडेंट तो उसका साथ में जैसे काम करेगा हम लोग वैसे में करेगा क्योंकि हम लोग लगता है कि काम अच्छा कर रहा है जो फ्यूचर जनरेशन के लिए थैंक यू